तो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। भाजपा और कांग्रेस जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। जनहित के मुद्दों के जरिए दोनों ही पार्टियां जनता को साधने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने 12 से जन जागरण अभियान का आगाज किया। मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत सहित दिग्गजों ने भाजपा पर निशाना साधा। इसी पर एक खास रिपोर्ट पेश है। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव अभियान की शुरुआत 12 से की, जहां ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबान दी लेकिन उस पर चले नहीं, जबकि राजस्थान सरकार ने कई गारंटी दी और उन्हें पूरा भी किया। वही राजस्थान में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जैसी योजनाएं शायद ही किसी अन्य राज्य में लागू हो, जिन्हें मोदी सरकार को पूरे देश में लागू करना चाहिए। राजस्थान की हालत आपको मालूम है, पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती, और यहाँ सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता, नहीं कहाँ जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए, हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपी को आपने चुन के भेजे थे उन्हों भी आपको धोखा दिए। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, अन्य राज्यों में हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा हो रही है। ईआरसीपी परियोजना वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुई थी, इससे 13 जिलों की 2,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। यहाँ से केंद्र में जल संसाधन मंत्री है लेकिन राजस्थान के हक को लेकर आवाज नहीं उठाई गयी। जो राजस्थान के साथ धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपहसालारों ने, जो केंद्रीय मंत्री पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 एमपी राजस्थान के, गीता के बेटा, एक काम हमने शुरू नहीं किया था। पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा राजे सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ईआरसीपी का काम। नवनिर्मा बांध 2,00,000 हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल कालीसिंध पार्वती की नदियों का पानी बहकर के व्यर्थ में जाता है। आप बताइए उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। जनसभा को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी संबोधित किया, जिन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। ये शुरुआत ऐसी है, दिन दूनी रात चौगुनी ये फिजा बढ़ती जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में बताने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र से लोग आते हैं, केंद्र के लोगों को पूछना चाहिए कि ईआरसीपी का क्या हुआ, महंगाई कम करने का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगुनी का क्या हुआ, ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी और इनको भगाना पड़ेगा।
2023 के लिए ये जो आगाज है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके साक्षी में, आपकी मौजूदगी में, कि खड़गे साहब, हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बना के रहेंगे। गरीब को गणेश मान के सेवा किए, बारा के विकास के लिए, बारा के सामाजिक का सेवा के लिए, बारा के धार्मिक कार्यों के लिए मैंने पहले भी कसर नहीं छोड़ी, इस राज में भी हमने कसर नहीं छोड़ी और मरते दम तक मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कांग्रेस के जन जागरण अभियान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सहित मंत्री विधायकों के साथ स्थानीय जन प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया। लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आरसीपी का दावा कांग्रेस को सत्ता का सुख दिला पाता है या नहीं। 12 से हंसपाल यादव, भंवर एस चारण और निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।